नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन में आए एक छोटे से उछाल के बारे में। क्या यहाँ से बुल मार्केट जो है वो रिवाइव कर चुका है, मतलब कि वापस आ चुका है बुल मार्केट, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है, यहाँ से वापस मार्केट नीचे चला जाएगा, क्या कुछ होने वाला है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ बात करेंगे इथेरियम की, लाइट कॉइन की, बिटकॉइन कैश की, राइट? तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे कि ऑल्ट कॉइन्स में भी क्या कुछ हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा आखिरी तक ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सके हमारे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को ऐसे जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर है बिटकॉइन का प्राइस 31,707, इथेरियम का प्राइस चल रहा है 1921, और यहाँ पर BNB 288, और इसी तरीके से पूरा मार्केट आज तो जो है एकदम हरा भरा कबाब हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर काफी ज्यादा जो है अच्छा लग रहा है मार्केट यहाँ पे, और ये इस समय पर इस तरीके की जो हरियाली है वो बनी रहे और इस चीज की हम दुआ करते हैं, राइट? और यहाँ पर आज एक अच्छा इवेंट भी है जहाँ पर कि एलॉन मस्क जो है वो एक बोलने वाले हैं, बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। जो भी डिटेल होगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर हम आपके साथ काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को शेयर करते रहते हैं। तो जरूर से याद से टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर अब हम बात करते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, जहां पर हमको प्राइस दिख रहा है बाइनांस पे 31,712 का, राइट? और अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो ये चीज जो चल रहा है यहाँ पे प्राइस, एक ऊपर से एक ये ट्रेंड लाइन सी बन रही है जो कि हमको दिखा रही है कि यहाँ पर जो प्राइस है करीब करीब 33,000 के आसपास आके अगर इस ट्रेंड लाइन से टकराता है तो करीब करीब 33,000 के आसपास आके टकरा सकता है, ठीक है? तो ये चीज तो यहाँ पर दिख रही है कि 33,000 के आसपास इस ट्रेंड लाइन से टकराएगा। नाउ यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है, कैसा कुछ है, राइट? तो मैं यहाँ पर आप सब लोग बता दूं कि मैं आपको पिछले काफी समय से ये चीज बताता हुआ आया हूँ कि बिटकॉइन के पास जो सपोर्ट है वो है 28,800 का, जो कि मैं आप सबको से बहुत समय से ये चीज कह रहा हूँ कि 28,800 जो है वो सपोर्ट काफी बड़ा सपोर्ट है, और अभी तक बिटकॉइन ने 28,800 के सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पर कल मार्केट 29,200-300 के बीच में जाने की कोशिश करी थी, वहां तक गया था बिटकॉइन का प्राइस, लेकिन वहां से कर गया बाउंस, और बाउंस करने के बाद आज हम देख रहे हैं कि एक उछाल हमको देखने को मिल रही है। करीब करीब अगर हम देखें तो करीब करीब वहां से $1,500-1,700 जो है वो उछाल हम सब लोग यहाँ पर देख चुके हैं। करीब करीब $1,500-1,700 की एक अच्छी खासी उछाल यहाँ पर दिख रही है। तो ऐसे सिचुएशन में होने क्या वाला है, हो क्या सकता है? मैं पर्सनली ये चीज सोचता हूँ जब तक 28,800 नहीं टूटा तब तक बेयर मार्केट नहीं आएगा, और ये मैं आप सब लोगों से बहुत पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ कि 28,000 जब तक 28,800 जब तक ब्रेकडाउन ना हो बेयर मार्केट मत समझना, ठीक है? और मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका था कि अगर आप सोच रहे हैं कि बिटकॉइन $9,000 तक नीचे जा सकता है तो ही सोचिएगा कि बेयर मार्केट आएगा, लेकिन अगर आपको कहीं पर भी ये लगता है, कहीं पर भी ये चीज है कि नहीं, बिटकॉइन $9,000 वापस, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बिटकॉइन $9,000 नहीं जाने वाला है तो बेयर मार्केट के बारे में मत सोचिए। अभी यहां पर ये सोचिए कि यहां पर एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन जोन है। ऑफ कोर्स ये जोन बहुत बड़ा जोन है, करीब करीब अगर मैं बात करूं तो ये 12 से 13 हजार डॉलर का जोन है, जो कि एक बहुत बड़ा जोन है। मार्केट भी बड़ा हो चुका है तो ऑफ कोर्स जो कंसोलिडेशन जोन होगा वो भी बड़ा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारे पास अभी जो सबसे पहले जो इमीडिएट एक जो रेजिस्टेंस बनता है जो यहाँ पर दिख रहा है उसके हिसाब से, तो वो दिख रहा है यहाँ पर 36,600 के आसपास, 36,500, 36,600, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक जब यहाँ पर हाई बना था और ये वाला जो दो हाई है वो लगभग लगभग सेम जगह पर है, यहाँ पर और यहाँ पर 36,500-36,600 के लेवल्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके आसपास आकर मेरे को लगता है कि एक जो है छोटा सा ब्रेक लगेगा, लेकिन 36,500-36,600 के लेवल्स जो है आने वाले एक दो दिन के अंदर हो सकता है कि सैटरडे संडे के आसपास जो है ये लेवल पॉसिबल हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि उससे जल्दी भी हो जाए, मतलब कुछ ही दिनों की बात है मेरे हिसाब से जब हम 36,600 के लेवल्स को
टच कर रहे होंगे, राइट। और यहां पर हमको दिखेगा कि 36,600 के लेवल्स टच हो गए मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ये वाली जो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी। मेरे हिसाब से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जानी चाहिए। अब जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। नाउ दिस इज द थिंग, अगर हम यहाँ से 36,600 के लेवल को भी ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं, जो कि मुझे बहुत इजी टारगेट लग रहा है, 36,500, 36,600 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स इजीली अचीवेबल टारगेट मेरे हिसाब से। तो हम अगर यहाँ से अगर ऊपर जाते हैं तो हमको जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो हमको देखने को मिलेगा 41,300 से लेके 42,500 के बीच में, राइट। यहाँ पर आप 41,300 यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ, 41,400 रख लेते हैं क्योंकि उससे ऊपर ही है रेजिस्टेंस, और थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम देखें तो 42,400, राइट। तो ये रेंज है जो कि एक अलग ऊपर की तरफ रेंज होगी, जो कि अगर 36,500 के ऊपर निकले तो ही हमको यहाँ पर ये जो रेंज है यहाँ पर बिटकॉइन की दस्तक देखने को मिल सकती है। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि यहाँ पर दिख रही है। उसके ऊपर भी अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट, जो एक बोलूंगा कि मैं एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा $50,000 का, क्योंकि $50,000 एक बहुत बड़ा पहले सपोर्ट था मार्केट के लिए। जब मार्केट $50,000 के ऊपर था ऑफकोर्स, तो $50,000 एक बहुत बड़ा जो था वो सपोर्ट था। अभी यहाँ पर $50,000 जो होगा वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर आप देखना चाहें तो डेली चार्ट पे क्लियरली देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर मार्केट जो है वो $50,000 का कितना बड़ा सपोर्ट यहाँ पर लेके चल रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सपोर्ट से मार्केट बाउंस किया था, यहाँ पर भी एक बारी विक बनी थी फिर बाउंस कर गया था। तो $50,000 काफी बड़ा सपोर्ट यहाँ पर था पहले, अब वो चीज जो होगी वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। उसी के साथ साथ हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा ही, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर हमको एक इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन सी बनती हुई दिखे, जो कि यहाँ पर आने वाले वक्त के अंदर हमको 42,000 के आसपास से एक छोटा रिजेक्शन वापस 36,000, 36,500, 600 के आसपास दोबारा से देखने को यहाँ पर नीचे की तरफ दे, या फिर इस तरीके से हो जाए। तो बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर ये जो एक ट्रेंड लाइन बन सकती है, अभी भी ये ट्रेंड लाइन फाइनलाइज नहीं है, क्योंकि हमको कभी भी कोई भी ट्रेंड लाइन बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट भी हमारे पास यहाँ पर है, लेकिन हमारे पास अभी तक तीसरा पॉइंट नहीं है। तो हो सकता है कि यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पर आकर रुके बाय एंड ऑफ दिस मंथ, या फिर अगर मैं, हो सकता है कि यहाँ पर जो है 1 अगस्त के आसपास के जो डेट है, या फिर एंड ऑफ दिस मंथ तक की भी जो डेट है, वो चीज हो सकती है कि 42,000 के आसपास आ जाए, जो कि यहाँ पर डेट लगभग लगभग हो सकती है नीचे जो हमको दिख रहा है उसके हिसाब से, अगर ये ट्रेंड लाइन से टकराता है प्लस अगर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से टकराता है। तो साथ ही साथ मैं आपको अपने पिछले वीडियोस के अंदर फिबोनाची लेवल्स के बारे में भी बता चुका हूँ इस लेवल पे। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल जो कि 38.2 का लेवल है, 42,600, 400 के आसपास ही लगभग लगभग, राइट, प्लस माइनस $100 के आसपास, क्योंकि अगर हम इसको सही से एडजस्ट करेंगे तो हमको 42,500, 600 के आसपास के लेवल्स ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको एक और जो है यहाँ पर फिबोनाची पे भी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चार्ट के ऊपर देख ही रहे हैं कि नेक्स्ट यहाँ पर हमको बहुत हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि सबसे पहले हमको 36,600 के लेवल को हमको यहाँ पर देखने को मिले बहुत जल्दी, उसके बाद हमको यहाँ पर देखने को मिले 42,000 के आसपास के लेवल्स, 41,000-42,000 के आसपास के लेवल्स हमको देखने को मिले, वहां से एक रिजेक्शन मिले और उसके बाद फर्दर हम ऊपर की तरफ यहाँ पर मार्केट को देखें, क्योंकि यहाँ पर 28,800 का जो सपोर्ट है वो बिटकॉइन ने ब्रेक नहीं किया है। और यहाँ पर जो बन रहा है सिचुएशन वो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक डेली ग्रीन कैंडल, पॉजिटिव कैंडल, ऑफ कोर्स आज की जो पॉजिटिव कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, वो क्लोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये कैंडल मेरे हिसाब से अगर 33,000 या फिर उसके ऊपर अगर बंद होती है, आसपास भी 33,000 के आसपास अगर बंद होती है, तो हमको ये एक ग्रीन इंगल्फिंग कैंडल, मतलब कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिल जाएगा। आज की क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 33,000 के लेवल पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि अगर आज की कैंडल अगर हमको यहाँ पर 33,000 के आसपास देखने को मिली, जो कि मोस्ट लाइकली पॉसिबल सिनेरियो है, हो सकता है कि 32,900, हो सकता है कि 33,000 आसपास के लेवल, प्लस माइनस $200, राइट। तो आप उस चीज को अगर आप देखते हैं और अगर यहाँ पर हमको उस समय पर एक ग्रीन कैंडल हमको मिलती है जहां पर कि एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिल जाएगा, तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल तो ऑफकोर्स एक जो है एक बहुत अच्छा जो है इंडिकेशन होता है बुल मार्केट में
एक ऊपर की तरफ जाने का, राइट। तो ये सारी सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर, और ऑफ कोर्स ये चीज अगर हुई तो एक बहुत अच्छा मैसिव, हमको जो है मैसिव जो यहाँ पर जो रिलीफ रैली है एटलीस्ट वो तो जरूर देखने को मिल ही जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि बनी हुई है। अब हम चलते हैं इथेरियम के चार्ट के ऊपर, क्योंकि इथेरियम के चार्ट के ऊपर भी जो इथेरियम ने जो सपोर्ट था, जो कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि $1700 के ऊपर जो है वो सपोर्ट है, काफी अच्छा सपोर्ट है, वो सपोर्ट इथेरियम ने भी यहाँ पर लूज नहीं किया है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम $1700 का मार्क अगर हम लगाएं तो बार बार इथेरियम इसी लेवल के आसपास आके टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, पहले यहाँ पर 1700 के आसपास आया था, राइट, ये चीज थी। फिर ये दो बारी और आया यहाँ पर 1700 के आसपास, यहाँ पर कल अगर हमने देखा हो तो यहाँ पर भी हमको 1700 के आसपास के लेवल्स देखने को मिले। एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर जो है वो बन रहा है इथेरियम के चार्ट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर अगला अगर हिट अगर हमको यहाँ पर मिलता है इथेरियम के चार्ट पे, अगर ये 1700 के नीचे जाता है तो बेरिश हो जाएगा, लेकिन अगर 1700 की जब तक ऊपर ही है तब तक काफी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की, तो ये एक तरीके की एक ट्रेंड लाइन बन सकती है, जिसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ऑफ कोर्स 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग लगभग मेरे हिसाब से $2100 के आसपास या फिर $2100 के भी ऊपर जो है वो यहाँ पर 2120 के आसपास के लेवल्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं, जो कि क्लियरली क्लियरली इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ पर हमको 2100 के आसपास के लेवल्स जो है वो देख सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। 2150 भी हो सकता है, 2180 के लेवल्स भी हो सकते हैं, जो कि हमको देखने को बहुत ईजिली मिल जाए, जो कि एक काफी बड़ा रजिस्टेंस भी होगा। अगर मैं एक मोटा मोटा बात करूं तो अगर $2200 के अगर ऊपर निकल गया एथेरियम, तो उस सिचुएशन में हमको और ऊपर जाते हुए दिखेगा इथेरियम। अगर हम यहीं पर ही बात करें फिबोनाकी लेवल की, कहाँ तक जा सकता है प्राइस और कहाँ तक एक्चुअली में पॉसिबिलिटीज हैं, तो हम यहाँ पर कुछ चीजें देखेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। पहला जो हमने लेवल यहाँ पर देखना है वो यही देखना है कि यहाँ पर फिबोनाकी लेवल 23.60 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो वो 2338 के आसपास दिखेगा। 2338 पहले भी हमने देख चुके हैं कि वहां पर वो टच कर चुका था, 2330 के आसपास, 2338 के आसपास। उसके ऊपर अगर हम और फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको 2724, 2700 के आसपास के लेवल, 2727 के लेवल दिखते हैं, 3040 के लेवल दिखते हैं। उसके ऊपर अगर फर्दर मूव करें तो हमको यहाँ पर 3356 के लेवल दिखते हैं, और उसके ऊपर 3800 के लेवल दिखते हैं। और ये 3800 के लेवल्स तक मैं क्यों बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ आप सब लोगों को बता दूं कि आप ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी समय तक ट्रेडिंग हुई थी इस जोन के अंदर। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ज्यादा समय तक ट्रेडिंग नहीं हुई है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा समय तक ट्रेडिंग नहीं हुई है, लेकिन इस जगह पर लगातार बहुत बड़ी ट्रेडिंग हुई थी, जो कि यहाँ पर एक तरीके से सप्लाई जोन, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिर गया था, यहाँ पर सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन बनता हुआ सा नजर आ रहा है। तो इसीलिए ही मेरे को यहाँ पर लगता है कि अगर हम इस बारी 2340 के ऊपर अगर हम जाते हैं, 2340 के अगर हम ऊपर जाते हैं, 2338 2340 के ऊपर अगर हम यहाँ पर जाते हैं इथेरियम के प्राइस पे, तो हमको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, जो कि हमको पॉसिबली 3300 से लेके 3800 तक के जो है यहाँ पर प्राइजेस दिखा सकती है इथेरियम के अंदर। ऑफ कोर्स यहाँ पर एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है तो वो मैटर जरूर करेगा, तो हमको 3300 और 3800 के आसपास अपना जो प्रॉफिट है इसके बीच में बुक कर लेना है। अगर हम यहाँ पर इसके क्रॉस होने पे यहाँ पर अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो यहाँ पर हमको दिख रहा है वो 2200 के आसपास दिख रहा है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस समय पे 1929 के लेवल पर यहाँ पर जो है वो ट्रेड कर रहा है यहाँ पर इथेरियम। और अगर आज की कैंडल अगर ग्रीन क्लोज होती है तो हम एक तरीके से बुलिश इंडिकेशन मान सकते हैं, और स्पेशली अगर यहाँ पर एक ऊपर की तरफ 2050 के ऊपर अगर हमको क्लोजिंग मिले या 2050 के ऊपर अगर हमको क्लोजिंग मिल जाए, तो हमको काफी अच्छा इंडिकेशन बुलिश देखने को मिल जाएगा इथेरियम के अंदर। एक सॉफ्ट कंफर्मेशन जरूर देखने को मिल जाएगा इथेरियम में, अगर हम 2050 के ऊपर या फिर 2050 के बहुत नजदीक, ऊपर ही बेसिकली, मतलब कि ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं, 2050 के अगर हम ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो ये काफी अच्छा इंडिकेशन हो जाएगा। एक बार अगर क्रॉस कर लिया 2050 तो ऑफ कोर्स यहां से लगता है कि मार्केट जो है वो बुलिश यहां पे हो सकता है एज पर टेक्निकल एनालिसिस, एज पर द चार्ट। तो 2050 इथेरियम के लिए काफी अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं बीसीएच की, क्योंकि बीसीएच इस समय पे काफी ज्यादा नीचे आ गया था, तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी होगी उस तरीके से लेके। यहां पर अगर हम देखें तो बीसीएच ने भी अपना डबल बॉटम जो है वो टेस्ट किया है। अब इस चार्ट के ऊपर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर
एक बार ही यहाँ पर पहले नीचे गया था 388 के आसपास, और कल के अगर हम देखें तो कल भी यहाँ पर 388 के आसपास के लेवल के प्राइस से ही यहाँ से बाउंस कर रहा है। इस समय पे 424 425 के लेवल्स चल रहे हैं। अगर आपने देखा हो तो मैंने आप सब लोगों के साथ टेलीग्राम पे एक कॉल शेयर की थी जिसमें मैंने कहा था कि पहला टारगेट जो है 425 का हो सकता है यहाँ पर आने वाला, और उसके फर्दर ऊपर जी भी जो मैंने आप सब लोगों को टारगेट्स दिए थे। और मैंने वो कहा था कि शॉर्ट टर्म टारगेट्स जो है वो 465 के आसपास तक के टारगेट्स हो सकते हैं यहाँ पर बिटकॉइन कैश के ऊपर, BCH कॉइन के ऊपर, राइट। और यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 536 का। अगर 536 के लेवल के अगर हम ऊपर निकलते हैं, 536 सॉरी 536 नहीं 545, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर 545 मेरे चार्ट पे मार्क्ड है, और यहाँ पर बेसिकली 545 का लेवल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और मेरे हिसाब से यहाँ तक हम बहुत जल्दी पहुंच भी जाएंगे। लेकिन अगर हम 545 के अगर ऊपर निकलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज है वो है 685 की, उसके ऊपर करीब करीब अगर हम बात करो तो 870 की, उसके ऊपर 1018 की, उसके बाद 1160 1170 के आसपास लेवल, उसके ऊपर हमारे को हो सकता है कि 1380 के आसपास के लेवल्स भी शायद देखने को मिल जाए, राइट। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर 1100 के आसपास भी अगर देखने को मिल जाए तो अपना प्रॉफिट जो है वहां पर बुक कर सकते हैं, उसके ऊपर भी अगर थोड़ा बहुत जाए तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये जो है एक तरीके से लॉन्ग टर्म होल्ड अगर आप करके चले तो ये बिटकॉइन कैश का प्राइस बहुत अच्छा प्राइस है लॉन्ग टर्म के लिए। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते ही होंगे कि बिटकॉइन कैश बिटकॉइन में से ही निकला है बेसिकली। एक तरीके से जब हार्ड फोर्क हुआ था तब उस समय पर ये जो है बिटकॉइन कैश जो है वो निकला था। तो मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि यहाँ पर बिटकॉइन कैश काफी अच्छा कॉइन है, काफी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है अभी इस समय पे। अगर आपको ये इस प्राइस पे 425 से लेके 480 तक के रेंज में भी, 380 तक के रेंज में भी बेसिकली मिलता है, 380 425 440 के आसपास भी अगर ये मिलता है थोड़ा बहुत, और ऊपर भी वीडियो अपलोड करने के बाद अगर ये प्राइसेस बढ़ जाएं तो आप इसको बाय कर स्पॉट पे भी होल्ड कर सकते हैं, तो काफी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर अगर आप ट्रेड करना चाहें तो ऑफकोर्स इसको ट्रेड भी करना चाहें तो कर सकते हैं एट योर ओन रिस्क, बाय एंड सेल एट योर ओन रिस्क। चाहे आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो चाहे ट्रेड करना हो, एट योर ओन रिस्क आप कीजिएगा, राइट। क्योंकि हम आपको यहाँ पर जो भी सारी चीजें बताते हैं दैट इज ऑल एजुकेशनल थिंग्स, एजुकेशन पर्पज के लिए है, आपको सीखने को मिले उन सब चीजों के लिए पर्पज के लिए है। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हम टारगेट्स निकालते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि दिख रही है। हम यहाँ पर एक और कॉइन को रिव्यू करेंगे जो कि होगा लाइट कॉइन LTC, जो कि बिटकॉइन के एकदम बहुत ही क्लोज जैसा जो है वो चलता है। और यहाँ पर भी हमको एक डबल बॉटम जो बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर $104 के आसपास के प्राइस थे पिछली बारी। अभी भी अगर हम इस बारी देखें तो 103 104 के बीच में यहाँ पर प्राइसेस बने हैं, उसके बाद एक उछाल देखने को मिली है यहाँ पर लाइट कॉइन के ऊपर। और मैंने ऑलरेडी अपने जो गोल्ड मेंबर्स हैं, हमारे जो गोल्ड मेंबर्स हैं उनको अपने कॉल दे दी थी कि अगर 108 के ऊपर अगर प्राइस गया तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है, जो कि जा रहा है। अब 108 के ऊपर 115 तक 116 तक आ चुका है, करीब करीब $8 का फायदा हम ऑलरेडी इस पे उठा चुके हैं, 8% के आसपास, 7-8% का फायदा हम इस पे उठा चुके हैं। और लेवरेज को अगर जोड़ लें तो ऑफकोर्स 5x की लेवरेज, मतलब कि अगर 7% और 5x की लेवरेज तो करीब करीब 35% का जो है वो प्रॉफिट अभी तक बन चुका है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि चल रही हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है आप सब लोग बता दूं कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर $150 का रहेगा, 150 का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, जो इसको यहाँ पर ब्रेक करना जरूरी है। अगर ये 150 के लेवल्स तक पहुंच के उसको ब्रेक करता है, 150 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल जो हमको देखने को मिलेगा वो 160 का लेवल देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर जो लेवल देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे यहाँ पर हमको 180 तक के लेवल्स हमको देखने को इजीली मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें कि ऊपर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है तो उसके लिए हमको लगाना होगा फिबोनाकी यहाँ पर। तो फिबोनाकी हम इस तरीके से लगा लेते हैं करीब करीब, तो यहाँ पर अगर हम फिबोनाकी 103.75 के आसपास का बॉटम था तो वहीं पर ही लगा लेते हैं। ऊपर हमने जैसे कि देखा कि यहाँ पर 180 के आसपास का लेवल जो है वो काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो पहला फिबोनाकी लेवल भी वहीं पर ही दिख रहा है, 176 180 के आसपास के लेवल। फर्दर अगर हम और ऊपर की तरफ मूव करते हुए चले जाएं तो हमको जो दिखेगा वो दिखेगा यहाँ पर 294 तक के टारगेट्स बेसिकली हो सकते हैं। नीचे भी अगर हम देखें 50% रिट्रेसमेंट पे तो 260 तक के टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये पहले एक जो था ये सपोर्ट था, अभी जो है ये रेजिस्टेंस हो गया है लाइट कॉइन के लिए, तो हो सकता है कि ऊपर जाए और इस
जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन है इससे टकराए और फिर वापस नीचे आए, जहां पर कि 61.8% का रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट कर लेगा और साथ ही साथ इस रेजिस्टेंस लाइन से भी टकरा जाएगा और उसके बाद जो है यहां से फर्दर नीचे की तरफ आ सकता है। पूरा नीचे आए या ना आए लेकिन नीचे जो है वो आ सकता है, यहां से ऊपर की तरफ गया फिर फर्दर नीचे कुछ इस तरीके से यहां तक आया, तो ऐसा हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर लाइट कॉइन भी काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है और इसके लिए जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल था 108 का वो यहाँ पर ब्रेक ऑलरेडी कर चुका है और यहाँ पर ये जो कोशिश कर रहा है यहाँ पर जो फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस अब जो नेक्स्ट होने वाली है वो 125 की होने वाली है। अगर ये 125 के आसपास की क्लोजिंग देता है तो हमको यहाँ पर भी एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल जो है इथेरियम बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन के जैसे जो है इस पे भी हमको एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिल जाएगी जो कि एक पॉजिटिव साइन होगा लाइट कॉइन के लिए भी। तो इन सब कॉइन्स के ऊपर काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, कुछ यही तरीके होते हैं जहां से कि हम टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे तरीके से सीख पाते हैं, जहां पर हम काफी सारी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि यहाँ से मार्केट का नेक्स्ट मूव किस तरीके से हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बहुत समय से ये चीज कह रहा हूँ कि 28,800 का जो लेवल है, 30,000 से लेकर 28,800 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है बिटकॉइन के लिए। आप सब लोगों ने यहाँ पर देखा भी कि यहाँ पर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट और जोन है बिटकॉइन के लिए $30,000 से लेकर 28,800 तक का, जो कि यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया बिटकॉइन और यहाँ पर पहले कोई यहाँ पर वॉल्यूम भी नहीं आ रहा। तो जब वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ पर ब्रेक कैसे होगा? किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए जो इम्पोर्टेंट की लेवल होता है उसको ब्रेक करने के लिए एक इम्पोर्टेंट वॉल्यूम, हैवी वॉल्यूम चाहिए होता है क्योंकि वो एक सप्लाई जोन या डिमांड जोन है। यहाँ पर नीचे ये जो है ये डिमांड जोन है, यहाँ पर बहुत सारे बायर्स बैठे हैं जो कि बाय करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज, या फिर अगर मैं बात करूं, कोई इत्तफाक नहीं है ये चीज कि आज बिटकॉइन का प्राइस उसी सपोर्ट जोन से बाउंस भी कर रहा है। इलॉन मस्क की जो है एक तरीके से मैं कहूंगा कि मीटिंग, या फिर एक तरीके से वो बोलने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, और साथ के साथ यहाँ से बाउंस होना और इतनी बड़ी कैंडल बनना ये कोई इत्तफाक नहीं हो सकता। ये सब कुछ चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से वेल प्लान्ड मैनर में की जाती हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े प्लेयर्स को नीचे की तरफ बाइंग करानी है और नीचे की तरफ बाइंग कराने का लोगों को पैनिक क्रिएट करना है। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि अच्छे तरीके से अपना खुद का जो है वो माइंड इस्तेमाल करें कि क्या कुछ एक्चुअली चल रहा है। बाकी यूट्यूबर्स या फिर अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, ठीक है, आप अपनी रिसर्च जरूर कर लें, अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के बाद ही डिसीजन लें कि क्या कुछ बनता है और अपने आप ही सब कुछ चीजें डिसाइड ये करें कि हाँ यहाँ पर तो सपोर्ट बहुत तगड़ा हो सकता है, अगर यहाँ से फिसल गया मार्केट तो क्या होगा। इसीलिए ही टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है और टेक्निकल एनालिसिस आप जितना जल्दी सीखेंगे मार्केट के अंदर उतना ही जल्दी आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, अपने रिस्क को एनालाइज कर पाएंगे, अपने रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। तो यही सारी चीजें जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।